जय हिंद, जय भारत। मैं राम कुमार, आपका अपने परिवार एकलव्य राम कुमार में आप सब भाई बहनों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज बच्चा मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 9th का पार्ट 9 यूक्लिड का ज्यामिति का परिचय, जो स्वयं मूल्यांकन परीक्षण है जिसको अपन बहुत अच्छे से सीखें। जैसे कि आपसे आपके सामने पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से सही कथन के लिए सत्य तथा गलत कथन के लिए गलत असत्य लिखे। अगर आपको लगता है पढ़नी पर कि सत्य कथन है तो उसके सामने सत्य लिखो, और अगर पढ़नी में गलत लगता है बच्चा तो उसके सामने आप गलत लिख सकते हो। जैसे कि पहला क्वेश्चन आपके सामने रहा, कह रहा है कि वह कथन जिसे सिद्ध किया गया हो, वह कथन जिसे क्या करना बच्चा सिद्ध किया गया हो अभिग्रहती कहलाता है। अपन सब जानते हैं कथन क्या है, असत्य, क्योंकि जो कथन सिद्ध हो जाता वो अभिग्रहती नहीं कहलाता है। तो ये क्या हो गया बच्चा, असत्य। वो क्या है कि वह कथन जिसे सिद्ध किया, जो कथन सिद्ध हो जाता है वो अभिग्रहति नहीं कहलाता, और ये कह रहा कहलाता, तो इसलिए ये क्या हो बच्चा, असत हो गया। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा एक सतह की भुजाएं वक्र होती हैं, जो एक अपनी सतह होती है उसकी भुजाएं बिल्कुल वक्र, सतह है तो सरफेस है कोई भी, तो उसकी भुजा क्या होती है बच्चा, वक्र होती है। तो ये कथन कैसा बच्चा अपना, सत्य। कैसा बच्चा, कथन सत्य है। अब बात कर लेते प्रश्न नंबर 3, जो कह रहा दो प्रतिच्छेद रेखाएं, प्रतिच्छेद मतलब है एक दूसरे को काटती हैं, एक दूसरे को काटती हैं, मतलब ये एक तरह से काट रही हो, एक तरह से काटती है, एक दूसरे को क्या कर रही है यहाँ पर, प्रतिच्छेद कर रही है। क्या कर रही है बच्चा, प्रतिच्छेद। तो ये दो रेखाएं जो क्या कर रही, प्रतिच्छेद, दो प्रतिच्छेदी रेखाएँ कभी समांतर नहीं होती हैं, जो दो प्रतिच्छेद जो प्रतिच्छेद कर रही हैं रेखाएं कभी समांतर उसे कभी नहीं हो सकती हैं। तो ये कथन कैसा बच्चा, सत्य। क्या है, सत्य। अगर ये समांतर हो जाती तो असत्य हो जाता, लेकिन ये क्या समांतर नहीं होती, जो दो प्रतिच्छेद करते हैं, बिल्कुल सही बात है, जो दो प्रतिच्छेद करते हैं वो कभी समांतर नहीं हो सकते। अब बात कर ले प्रश्न नंबर 4, कह रहा कि दो बराबर वस्तुओं को दो गुना करने पर, दो बराबर वस्तुएं मान लो कोई चीज़ दो दो किलो की, अब उनको दो दोनों गुना कर दिया तो दो और दो ये भी चार गुना हो, चार हो जाएगी, वो भी चार हो जाए, तो ये भी कथन अपना कैसा है, सत्य। कोई भी दो वस्तुएं हैं उनको क्या कर दो बच्चा, दुगना कर, दोनों को दुगना करोगे तो बराबरी होगा, अभी एक को दुगना करते एक को चार गुना करते तो क्या होता, गलत होता। लेकिन वो अगर दोनों वस्तुओं को ही बराबर क्या कर दो, दुगना करने पर, तो क्या सत्य। क्वेश्चन नंबर 5, क्या ठोस की सीमा वक्र होती है, हमें तो पता है कि यहाँ सतह की सीमा भुजाएं जो वक्र होती है, लेकिन ठोस की सीमा वक्र नहीं होती है, तो ये क्वेश्चन कैसा होगा बच्चा, असत्य। कैसा होगा बच्चा अपना, असत्य। आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आए होंगे। अब बात कर लेते प्रश्न नंबर 2 की, दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्न में से सही कथन को पढ़े, हमने कहा कोई दिक्कत नहीं। कह रहा है एक वर्ग ऐसा बहुभुज है, जो वर्ग है अपना एक वर्ग है वो ऐसा बहुभुज है जो चार बराबर रेखाखंडों से बना, जो बराबर के चार रेखा, आप सब जानते हो जो वर्ग होता है वो चार बराबर रेखाखंडों से बना रहता है, क्योंकि हम जानते हैं वर्ग की सभी भुजाएं एक सी होती हैं, इधर से इधर रेखा का एक टुकड़ा वो रेखाखंड कहलाता है, मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूँ। तो कह रहा है एक वर्ग ऐसा बहुभुज है जो चार बराबर रेखाखंडों से बना, बिल्कुल आप सब जानते हैं जिसके बराबर प्रत्येक भुजा क्या होती है बराबर, वो बराबरी भुजाओं से बनकर एक वर्ग बनता है, तथा सभी कोण समकोण होते हैं, इसके जितने भी कोण होंगे आप सब जानते हैं कि 90 एंगल पर बनता है, तो सभी इसके कोण क्या होंगे, समकोण होते हैं, भी सत्य बात है, समकोण होते हैं, यही सत्य। फिर कह रहा वह पद बताइए जो इस परिभाषा के लिए आवश्यक है, कह रहा वह पद बताइए जो इस परिभाषा के लिए क्या हो आवश्यक, तो आप सब जानते हो वो कौन है, यूक्लिड। क्या है, यूक्लिड की अभिधारणा। क्या है बच्चा, कौन सी परिभाषा, यूक्लिड की अभिधारणा, कौन है बच्चा, यूक्लिड की अभिधारणा। तो ये इसका क्या बच्चा परम सत्य आंसर है, बहुत अच्छे से आपको समझ में आया, आशा करता हूँ यूक्लिड की अभिधारणा, क्योंकि कुछ नहीं था क्वेश्चन, बड़ी सिंपल था कि एक वर्ग था जो संभा उसकी बहुभुज सभी भुजाएं बराबर होती हैं, जो चार बराबर रेखाखंड उसे बना होता है, बिल्कुल सही, चार बराबर रेखाखंड होते जिसका प्रत्येक कोण क्या होता है, समकोण होता है, तो वगैरह किस परिभाषा को परिभाषित करता है, तो यूक्लिड की अभिधारणा, किसको, यूक्लिड की अभिधारणा। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, अब आपके सामने बच्चा प्रश्न नंबर 3, जो कह रहा दो अवधारणाएं दी, अपन को दो क्या दे दी, अवधारणा ले, क्या कह रहा, पहली अवधारणा क्या कह रहा है कि दो भिन्न भिन्न बिंदु हैं, दो भिन्न भिन्न अपने पास क्या है, बिंदु एक ए है और एक कौन सा है बी, दो अपने पास भिन्न बिंदु एक ए और एक क्या है बी, के बीच एक तीसरे बिंदु सी का अस्तित्व है। क्या कह रहा, एक सी का क्या अस्तित्व है जो ए बी के बीच है, हमने कहा देखो दो बिंदु हैं, एक बिंदु ए है और एक बिंदु, तो जे ए और जे बी बिंदु हो गया, अपन सब जानते हैं। कह रहा है इसी के बाद से ये बीच में एक तीसरा बिंदु का क्या अस्तित्व, जिसे क्या कहते, सी कहते। तो अपन ने कहा कह रहा दो भिन्न बिंदु हैं ए और बी हैं,
के बीच एक तीसरा बिंदु है जो क्या है, सी है, अस्तित्व जो ए और बी के बीच, जो ए और बी के बीच में क्या है भैया, अस्तित्व, हमने कहा इतना समझ में आ गया। ठीक है, अब दूसरे पॉइंट की बात करते हैं, कह रहा तीन भिन्न बिंदुओं का अस्तित्व है जो एक रेखा पर नहीं है। अब कह रहे तीन विभिन्न बिंदुओं का अस्तित्व एक जो एक रेखा पर नहीं, इस पर तो एक रेखा पर है, और इसमें कह रहा है कि जो एक रेखा पर क्या नहीं, अच्छा रेखा पर नहीं, इस पर तो देख रहा है, लेकिन इसमें कह रहा है कि जे एक रेखा पर नहीं था, रहे एक रेखा पर। अब क्या कह रहा, क्या इन अभी 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 कल्पनाओं में कोई अभी अपरिभाषित पद है, क्या अभी पर जो अपरिभाषित पद है, नहीं, हम उन पूरे को क्या कर सकते, परिभाषित कर सकते हैं, कोई भी अपरिभाषित पद नहीं, परिभाषित का मतलब जिसको अपन परिभाषा से भाषित ना कर पाए तो उसे परिभाषित कहते हैं, लेकिन जी अगर अपरिभाषित हम इसे परिभाषित कर सकते हैं तो इसीलिए क्या जी परिभाषित है। ठीक है, तो इसकी दिक्कत नहीं। अब दूसरा पॉइंट क्या कह रहा, क्या ये यूक्लिड अभिग्रहति का अनुसरण करते हैं, हम सब कह सकते हैं बिल्कुल अनुसरण कर सकते हैं, क्या करते हैं तो हम ले सकते हैं ये यूक्लिड अभिग्रहति का अनुसरण करते हैं, क्या करते हैं बच्चा, अनुसरण करते हैं, क्या करते हैं, अनुसरण करते हैं, अनुसरण करते हैं, आप सबको हाँ बिल्कुल भैया अनुसरण करते हैं, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अब बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर चौथा प्रश्न आपसे क्या कह रहा है कि संलग्न चित्र में यदि कोण ABC बराबर कोण AB को क्या अपन दिया, अपन क्या दिया है, क्या लिखते इधर लिखो दिया है, क्या है दिया है, तो अपन को दिया क्या है कि कोण ABC बराबर कोण ACB, ये क्या कह रहा है, कोण ABC बराबर कोण CB, कोण AB कोण जी यहाँ बन रहा, ये क्या बच्चा जी पूरा ये कोण है एक, और ये कोण क्या है बच्चा जी, तो कोण ABC जो बीच में लिखा रहता है उसे वही क्या होता है कोण, जो बीच सी लिखा बीच में तो ये क्या है अच्छा कोण है, क्या है कोण, तो जी कह रहा कोण BC और कोण CB क्या है आपस में बराबर, क्या नहीं मतलब कोण 4-1 और कोण 3-2 क्या आपस में बच्चा बराबर है, क्या बच्चा बराबर है, तो कह रहा तब सिद्ध कीजिए कि और अपने को दे और क्या दे रहा कोण 3 बराबर कहता है कोण 4 भी दे रहा है, कोण 3 बराबर क्या कह रहा कोण 4 दे रहा है, और अपन सिद्ध क्या करना है कोण 1 बराबर कोण 2, कोण 1 बराबर कोण 2, अपन तो लिखेंगे समीकरण एक में से समीकरण 2 घटाने पर, समीकरण 2 घटाने पर, अब आपको ये क्यों घटाने पर कि जब हम इसमें से समीकरण में से इसको घटा देंगे तो हमारे पास जे वाला क्या हो जाएगा प्राप्त हो जाएगा, ये हमको सिद्ध करना है, यही हमको सिद्ध करना, तो हम लिखेंगे कोण ABC माइनस कोण 4 इधर कितना घटेगा बच्चा कोण 3, जिससे कि इसमें 4 घटेगा तो कितना बचेगा कोण 1, और इसमें से कोण 3 घटेगा तो कितना बचेगा कोण 2, ये अपना क्या होगा प्रूव्ड, क्या होगा प्रूव्ड यानी सिद्ध, ये अपन ने क्या कर दिया बच्चा, ये प्रूव्ड और ये अपना क्या होगा बच्चा सिद्ध हो गया है, इसको कुछ नहीं करना है, सिर्फ कोण ABC में से कोण माइनस 4 घटाएंगे तो कोण 1 बचेगा, कोण CB में से कोण 3 घटाएंगे कितना बचेगा बच्चा 2 बचेगा, इस तरह से करना था, बस थोड़ी सी मिसप्रिंट हो गई थी, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्या नहीं बच्चा कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। आप सबसे बता लेता हूं, मिलता हूं आप सबसे बच्चा बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, आपको कोई भी दिक्कत है कोई समस्या आती तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, जय हिंद जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।